हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका देवघर आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम लोग एक पर्सनालिटी सीरीज लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आज चर्चा करेंगे हम लोग श्री कार्तिक उरांव साहब के बारे में। इनका जन्म अगर हम लोग बात करें तो 29 अक्टूबर 1924 को हुआ था और यह दिन था कार्तिक पूर्णिमा का, इसी वजह से इनका नाम जो है वो कार्तिक रखा गया। तो 29 अक्टूबर 1924 कार्तिक पूर्णिमा के दिन जन्मे कार्तिक उरांव साहब। बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे झारखंड के। कार्तिक पूर्णिमा से रिलेटेड एक और चीजें हैं जो आपको मुझे बतानी है कमेंट बॉक्स में। इस दिन झारखंड में एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है, तो आपको नीचे कमेंट में यह बताना है कि कौन सा त्यौहार जो है वो हम लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करें तो कार्तिक उरांव साहब का जन्म जो है वो लीटा टोली नाम के स्थान पर कोरुंडा में हुआ था, गुमला जिला के अंतर्गत। तो गुमला जिला के लीटा टोली में जो है वो इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1924 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इनकी मृत्यु 8 दिसंबर 1981 को हुई थी। इनके माता पिता के बारे में चर्चा करें तो इनके पिता का नाम जबरा उरांव था और माता का नाम बिरसी उरांव था, और ये अपने माता पिता की चौथी संतान थे, फोर्थ चाइल्ड जो है ये अपने माता पिता के थे। आगे इनके बारे में चर्चा करें तो इनको जो है वो ब्लैक डायमंड ऑफ छोटा नागपुर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, ब्लैक डायमंड ऑफ छोटा नागपुर। इसके साथ साथ इनको बाबा कार्तिक साहेब के नाम से भी जो है वो पुकारा जाता है। और इनके लिए एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है जिनमें इनको सोल हिंदू ट्राइबल चीफ यानी एकमात्र हिंदू आदिवासी प्रमुख के नाम से भी जो है वो पुकारा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को जो है वो आने वाले समय में आप देख सकते हैं, सोल हिंदू ट्राइबल चीफ एकमात्र हिंदू आदिवासी प्रमुख के नाम से भी जो है वो इनको जाना जाता है। इन्होंने सुमति उरांव से विवाह किया वर्ष 1950 में। आगे इनकी शिक्षा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो इन्होंने खोरा जमा टोली के लोअर प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिया 1930 में। उसके बाद 1942 में इन्होंने मैट्रिक पास किया गुमला हाई स्कूल से, फिर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन को पास किया साइंस कॉलेज पटना से। उसके बाद इन्होंने बीएससी इंजीनियरिंग यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से जो है वो पटना से जो है वो 1948 में जो है वो कंप्लीट की। उसके बाद ये विदेश चले गए और वहाँ से एमएससी इंजीनियरिंग की रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन से। उस दौर में इंजीनियरिंग को भी बीएससी और एमएससी कोर्स के रूप में ही जो है वो देखा जाता था। आज के डेट में हम लोग इसे बीटेक और एमटेक आदि के नाम से कहते हैं, उस समय मास्टर्स ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ही जो है वो कहा जाता था। तो एमएससी इंजीनियरिंग की रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन से 1961 में। बहुत सारी डिग्रियां इन्होंने हासिल की, ग्लासगो में भी कुछ डिग्रियां इनको मिली, इसके साथ साथ यूएसए से भी कई डिग्रियां इन्होंने हासिल की। इसी तरह उनमें से एक इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है जिनमें ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स MASCE के भी जो है वो मेंबर रहे हैं, सदस्य जो है वो रहे थे। इसके अलावा कई सारी डिग्रियां जो है वो इनके पास रही थी। इसके बाद इनका करियर शुरू होता है और इनको जो है वो सिविल इंजीनियर एट ब्रिटिश एटॉमिक पावर डेवलपमेंट में जो है वो नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा भी कई जगह इन्होंने नौकरियां की, लेकिन इनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कह लें, इनके इंजीनियरिंग करियर का एक महत्वपूर्ण पॉइंट तब आया जब यह हिंकले पॉइंट न्यूक्लियर पावर स्टेशन में एक प्रोमिनेंट डिजाइनर के रूप में जो है वो इनको नियुक्त किया गया, यानी कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन के एक डिजाइनिंग इंजीनियर के रूप में जो है इनकी नियुक्ति हुई, और ये जो है वो बहुत वहां पर अच्छा काम करते हैं। उसके बाद इनको जो है वो जवाहरलाल नेहरू से इनकी मुलाकात होती है और वो इनको भारत आने का निमंत्रण देते हैं। जब ये भारत आते हैं तब इनको जो है वो कंस्ट्रक्शन और डिजाइन का सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया जाता है, HEC यानी जो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन हमारा HEC धुरवा रांची में स्थित है, वहाँ के ये सुपरिटेंडेंट नियुक्त किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन और डिजाइन डिपार्टमेंट में। उसके बाद में इनको डिप्यूटी चीफ इंजीनियर ऑफ HEC जो है वो प्रमोट कर दिया जाता है। यहाँ पर इन्होंने जो है वो HEC के द्वारा जमीन अधिग्रहण, आदिवासियों को जो है वो नौकरियों में नहीं रखना, स्थानीय लोगों का जो है वो शोषण, इन सारी चीज़ों को जो है ये काफ़ी क्लोजली जो है वो इसी HEC में एज एन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर
या फिर जो है वो वहाँ पे अपने पद पे रहते हुए जो है वो इन चीज़ों को ये बहुत क्लोजली विटनेस करते हैं कि यहाँ के लोगों के साथ जो है वो बहुत अन्याय हो रहा है, यहाँ के स्थानीय यहाँ आदिवासियों के साथ जो है बहुत अन्याय हो रहा है। उसके बाद इन्होंने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस के टिकट पर 1962 का लोकसभा इलेक्शन जो है वो लोहरदगा से जो है वो लड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जो है वो हार जाते हैं। बाद में फिर 1967 का लोकसभा जो है वो जीतते हैं और ह्यूज मार्जिन से जीतते हैं, और उसके बाद 71 और 80 के जनरल इलेक्शंस भी जो है वो जीतते हैं। उसके बाद विधानसभा का चुनाव भी लड़ते हैं, बिहार विधानसभा का, और 1977 में जो है वो बिशुनपुर से जो है वो एज एमएलए भी जो है वो चुने जाते हैं। इसके साथ साथ इनको जो है वो मिनिस्टर ऑफ एविएशन एंड कम्युनिकेशन भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बनाया गया था, यानी कि केंद्र में भी जो है वो कार्तिक उरांव मंत्री जो है वो रहे हैं। इसके साथ साथ इनके लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक, इन्होंने जो है वो ऑल इंडिया ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के नाम से जानते हैं, इसका गठन किया था। ये आने वाले समय में बहुत ही संभावित प्रश्न जो है वो है और कई बार एग्जाम्स में जो है वो पूछा जा चुका है कि ऑल इंडिया ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किसने किया, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किसने किया, तो श्री कार्तिक उरांव साहब ने किया। कब किया? तो वर्ष 1968 में। इतने बड़े स्कॉलर थे, कई सारी चीजों की जानकारी थी, इन्होंने एक महत्वपूर्ण किताब भी लिखी है, यह भी आने वाले समय में जो है वो आपको प्रश्न के रूप में जो है वो देखने को मिल सकता है जेपीएससी जेएसएससी के एग्जाम्स में। इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम है 20 वर्ष की काली रात, डॉक्टर कार्तिक उरांव के साहब नाम से जो है वो साहब ने जो है यह किताब जो है वो लिखी है, 20 वर्ष की काली रात। इसके साथ साथ इनके नाम पे जो है वो एक कॉलेज भी है, कार्तिक उरांव कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, जो गुमला में पड़ता है। आगे इनके बारे में चर्चा करें तो इन्होंने जो इलीगल कन्वर्जन है, जनजातियों का जो क्रिश्चियनिटी में इलीगल कन्वर्जन है, इस पर जो है वो इन्होंने बहुत सवाल किया और पार्लियामेंट में भी जो है वो इन्होंने इससे संबंधित जो है वो बहुत तीखी बहस भी जो है वो की। कई बार इन्होंने जो है वो इससे संबंधित प्रस्ताव जो है वो लाया और ये आदिवासियत का जो है वो बहुत समर्थन करते थे और जो कन्वर्जन हो रहा था आदिवासियों का, इसका जो है वो बहुत मुखर तौर पर जो है वो विरोध करते थे। इन्होंने जो है वो केस भी फाइल किया था जो कन्वर्जन हो रहा था, डेविड मुंजनी नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके अगेंस्ट जो है वो एक केस फाइल किया था 1963 में। तो ये जो है वो चीज़ें कार्तिक उरांव से संबंधित चीज़ों को हम लोगों ने देखा। एक बार फिर से हम लोग क्विकली जो है वो चीज़ों को देखते हैं। कार्तिक उरांव साहब, इनका जन्म 29 अक्टूबर 1924 को हुआ था, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, इस वजह से इनका नाम कार्तिक उरांव पड़ा। जन्म कहाँ हुआ था? तो लीटा टोली गुमला में। मृत्यु कब हुई? 8 दिसंबर 1981 को। माता पिता के बारे में बात करें तो जबरा उरांव इनके पिता और बिरसी उरांव इनकी माता थी। ये अपने माता पिता के चौथी संतान थे। इनको बाबा कार्तिक साहब और ब्लैक डायमंड ऑफ छोटा नागपुर के नाम से भी जो है वो जाना जाता था। इसके साथ साथ इनको सोल हिंदू ट्राइबल चीफ, एकमात्र हिंदू आदिवासी प्रमुख के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसको एकदम स्टार मार्कर रख लीजिए, एकमात्र हिंदू आदिवासी प्रमुख के रूप में किनको जाना जाता है? तो बाबा कार्तिक साहब को जो है वो जाना जाता है। इनके शिक्षा दीक्षा की बात करें तो खोरा जमा टोली से इन्होंने जो है वो लोअर प्राइमरी की शिक्षा ली, उसके बाद मैट्रिक किया गुमला हाई स्कूल से, इंटरमीडिएट किया इन्होंने पटना साइंस कॉलेज से, फिर वहीं से इंजीनियरिंग की डिग्री ली बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना से, फिर एमएससी की डिग्री ली इन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन से। इसके साथ साथ ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स के भी जो है वो मेंबर रह चुके हैं। इसके साथ साथ ब्रिटेन में इनको एटॉमिक पावर डिपार्टमेंट में जो है वो सिविल इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद ये जो हिंकले पॉइंट है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, उस पावर स्टेशन के जो है वो एक प्रमुख डिजाइनर के रूप में जो है उनको नियुक्ति हुई। फिर नेहरू जी के रिक्वेस्ट पर, नेहरू जी के मोटिवेशन पर ये जो है वो वापस इंडिया आते हैं और इनको चीफ कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सुपरिटेंडेंट जो है वो नियुक्त कर दिया जाता है। कहाँ? तो HEC दुर्बा में। उसके बाद ये डिप्टी चीफ इंजीनियर भी बनते हैं। वहीं पर इनको जो है वो यहाँ के जनजातियों के साथ हो रहे शोषण के बारे में पता चलता है और ये आवाज़ उठाना शुरू करते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है इनके राजनीतिक जीवन की।
1962 में ये कांग्रेस के टिकट पर लोहरदगा से चुनाव लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं। बाद में 1967 का लोकसभा वो जीतते हैं, बड़े मार्जिन से जीतते हैं, फिर 71 में भी जीतते हैं और 1980 का भी चुनाव जो है ये जीत लेते हैं। इसी बीच एक बार ये 1977 में बिशुनपुर असेंबली से बिहार विधानसभा के सदस्य भी बनते हैं, यानी कि MLA चुनाव भी जो है वो जीतते हैं। जब ये MP थे उस दौरान इनको जो है वो केंद्र में मंत्री भी बनाया गया और ये एविएशन और कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो है वो भारत सरकार के थे। और इन्होंने जो है वो ऑल इंडिया ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल यानी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का भी गठन किया है। कब किया है? 1968 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके साथ साथ इन्होंने एक किताब लिखा है जिसका नाम है 20 वर्ष की काली रात। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण बुक है, डॉक्टर कार्तिक उरांव के साहब के द्वारा लिखी गई। इनके सम्मान में रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत गुमला में जो कॉलेज है उसका नाम कार्तिक उरांव कॉलेज भी जो है वो रखा गया है। इसके साथ साथ ये आदिवासियों का इलीगल कन्वर्जन जो हो रहा था क्रिश्चियनिटी में इसका काफी विरोध करते हैं, इससे संबंधित केस आदि भी जो है वो फाइल करते हैं डेविड मुंजानी नाम के एक व्यक्ति के अगेंस्ट में। तो ये जो है वो हमने बाबा कार्तिक उरांव से संबंधित चीजों को जो है वो जानने और समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों, हम लोगों का ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में जो है वो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगे तो और भी लोगों के साथ, और भी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने महत्वपूर्ण सुझाव जो है वो हमें कमेंट में आप दे सकते हैं। थैंक यू।